नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आज काला दिन है। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है, जिसमें भोजपुरी के तकरीबन 9 कलाकार जो हैं वो एक साथ दम तोड़ दिए हैं। पूरी जानकारी क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं और वो कौन से कलाकार हैं उनके भी बारे में बताऊंगा। दरअसल बात करें तो बिहार के कैमूर जिले में एक भीषण हादसा हुआ है। NH2 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सासाराम की तरफ से वाराणसी की ओर जा रही थी। बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो डिवाइडर कर दूसरी लेन में चली गई। इसके बाद सामने आ रहे ट्रैक से जाकर भिड़ गई। इस हादसे में बाइक चालक सहित कुल 9 लोगों को घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। और यह हादसा जिले मोहनिया क्षेत्र के देवकली के पास NH2 पर हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से स्कॉर्पियो के अंदर फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला है। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं NHAI की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात शुरू कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को तलाशी के दौरान 2 मृतकों के पास से आधार कार्ड मिले हैं। इन दोनों आधार कार्ड पर मुंबई का पता है, वहीं गाड़ी का नंबर बक्सर का बताया जा रहा है। और जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक हैं जिनका नाम छोटू पांडे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे एल्बम गा चुके हैं, वो जो हैं वो इस दुर्घटना क्रम में शामिल थे। और इनके साथ 9 कलाकार हैं, यानी कि इनको मिलाकर 9 कलाकार। इसमें एक सिमरन श्रीवास्तव हैं जो भोजपुरी गायिका हैं, इनका भी निधन हो गया। इसके अलावा 2 डांसर्स और उनके जो पूरे टीम के म्यूजिशियंस हैं वो सारे लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काला दिन, एक साथ 9 कलाकारों का जाना कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी दुखद खबर है। तो एक बड़ा खबर था, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।